मिठाई खिला रही हूँ अपनी बेटी को, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप लोग आते रहे, हमें बहुत खुशी होगी। बेटी कुमारी सौम्या को मिठाई खिला रहा हूँ, आगे IAS अफसर बनकर हमारे सामने एक दिन जरूर आएगी, इसी विश्वास के साथ। कोई रहे चाहे ना रहे, मम्मी पापा विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड ऑब्वियसली टीचर्स, जिनके बिना ये बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रहता। सो पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज CBSE का रिजल्ट आया है, मेरे साथ कुमारी सौम्या मौजूद है जिनका 98% आया। आइए हम इनसे कुछ बातें करेंगे, कहा कि इनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी। नमस्ते, मेरा नाम कुमारी सौम्या है और मैंने अपनी पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से की है और मेरा 12th बोर्ड्स में 98% मार्क्स आया है और मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज़ की थी। मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी उतनी स्पेसिफिक नहीं है, मैं आर्ट्स ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं सिलेबस ओरिएंटेड हूँ, मतलब मेरा डेफिनेट आर्ट्स नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे 10 या 12 घंटे एकदम पढ़ना ही है, मेरा एक दिन का सिलेबस स्पेसिफिक रहता था, कभी वो 10 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, कभी 8 से 10 घंटे में। और मुझे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट है, जैसे आई एम अ भरतनाट्यम डांसर एंड आई लव टू डू मंडला आर्ट एंड पोर्ट्रेट ऑल्सो, एंड आई लाइक टू प्ले कैशियो एंड पियानो एज वेल, एंड आई हैव ऑल्सो रिटन अ बुक दैट इज 0 to infinity। सो आई हैव इंटरेस्ट इन मेनी थिंग्स एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक्स एज वेल। सर, 98% आपका आया, आपने कितने देर पढ़ाई करती थी आप? जैसे स्कूल, मैं जिस दिन स्कूल जाती थी उस दिन सेल्फ स्टडी टाइम थोड़ा कम रहता था, जैसे मेरा सेल्फ स्टडी टाइम उस टाइम 6 to 7 hours, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गया, जैसे 1 to 2 months पहले एग्ज़ाम से पहले, उस टाइम मेरा स्टडी टाइम 10 to 12 hours रहता था। उस टाइम पूरा फोकस ओनली ऑन स्टडीज, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। अच्छा, आप मतलब क्लास कोचिंग वगैरह ये सब करती थी? क्योंकि मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रीम विच रिक्वायर्स कंप्लीट सेल्फ स्टडिंग। अगर आपको लगे कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ लें, बट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कोचिंग लेना ही लेना है। फॉर मी सेल्फ स्टडी इज़ सुप्रीम। 98% आया है, कितनी खुशी हो रही है आपको? कैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे 98% मार्क्स आए और मैंने उतनी मेहनत भी की थी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड फील कराया, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जब आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपके अचीवमेंट की वजह से उनके एक चेहरे पर स्माइल आती है, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा, अभी आपने आपका 98% आया है, उसका श्रेय आप मम्मी या किसको, पापा को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली मम्मी को सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, पापा को भी, एंड मॉम एंड डैड आर द यू नो बिगेस्ट सपोर्टर्स। कोई रहे चाहे ना रहे, मम्मी पापा विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एंड ऑब्वियसली टीचर्स, जिनके बिना ये बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रहता। सो पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अच्छा, आगे आपका लक्ष्य क्या, आगे आप क्या बनना चाहती है? मुझे ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, जर्नलिज्म, मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, बट मुझे स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, अभी आपकी मम्मी बता रही थी कि आपने कोई बुक भी लिखा है। यस, मैंने 8th स्टैंडर्ड में एक छोटी सी बुक लिखी थी, दैट वॉज जस्ट अ ट्राई, बिकॉज मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने 2 books लिखी थी, फर्स्ट वॉज दिस जस्ट नॉर्मल थिंग, जिसमें मैंने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की थी, दिस इज़ फ्रॉम class 3 to class 8 की जर्नी, मेरी स्कूल लाइफ की जर्नी, जिसमें मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया। एंड दिस वन आई रोट इन standard 8, मैंने इसको standard 8 में लिखा था, दिस इज़ 0 to infinity, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी अपने सपनों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा ऊंचा सोचेंगे, आप उतने ज़्यादा एक्शंस लेंगे, आपके अचीवमेंट्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। आप देख सकते हैं ये कुमारी सौम्या का स्टडी टेबल है, काफ़ी ये बचपन से ही होनहार रही है, देख सकते हैं ये इनका स्टडी टेबल है, और ये जितने सारे भी आप अवार्ड देख रहे हैं सभी अवार्ड इन्हीं को मिला है, और पढ़ाई के साथ साथ भरतनाट्यम, और ये देख सकते हैं पूरी संख्या में मेडल भी है जो काफ़ी इनको मिला है।
ये देख सकते हैं ये ड्राइंग भी करती है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ड्राइंग भी है। सौम्या के मम्मी पापा भी है मेरे साथ, हम उनसे भी बातें करेंगे। तो अभी आप देख कुमारी सौम्या के मम्मी पापा भी हैं, आप देख सकते हैं कुमारी सौम्या का 98% आया है, कितनी खुशी हो रही है, कैसे बहुत खुशी हो रही है, बहुत हम लोग खुश हैं, सब परिवार बहुत संतुष्ट है। यही होना भी चाहिए, बच्चों के साथ हम लोग हमेशा लगे रहे, आगे भी लगे रहेंगे। बस यही है, कहते हैं ना कि पहला विद्यालय जो बच्चों का होता है वो घर होता है, और पहले शिक्षक जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं। उम्मीद था कि 98% बिल्कुल बिल्कुल एकदम उम्मीद था, और ज़्यादा का ही उम्मीद था। चलिए इतना भी आया, बहुत अच्छा लगा, मेहनत तो की है उसने, हम लोग भी लगे रहें, ऐसे ही हमेशा सफल होते रहें बच्चे, बस यही चाहिए। सबको यही कहेंगे कि बच्चों के साथ हमेशा लगे रहें, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी विजन। उम्मीद था आपको बेटी 98% लाई आती है? एकदम 100% हम श्योर थे कि आएगा ही आएगा। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए तो अभी आपने सुना ये कुमारी सौम्या के माता पिताजी थे, इनका कहना है कि जितना उम्मीद था बेटी उससे कम ही लाई है, 98% भी इनको कम लग रहा है, इससे भी ये लोग ऊपर सोचे थे कि मेरी बेटी इससे भी ऊपर लाएगी। हालांकि कुमारी सौम्या का कहना था कि सपना ऊंचा होगा तो मुकाम भी ऊंचा मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।